सबसे पहले मनु भंडारी जी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहती है कि यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। मतलब पिताजी जो थे हमेशा यश प्राप्त करना चाहते थे, मतलब हमेशा ऊंचे स्थान पर रहना चाहते थे, लेकिन उनकी एक दुर्बलता थी, वो क्या थी? यश लिप्सा, मतलब यश की लालच। और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। मतलब हमेशा मनु के पिताजी एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, मतलब सामान्य नहीं बल्कि खास बनकर जीना चाहिए, और इस समाज में रहने के बावजूद व्यक्ति को किसी ना किसी अच्छे काम करते रहना चाहिए जिससे हमारा नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। मैं मतलब कौन है? मनु भंडारी जी। मतलब पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करने से क्या होगा, आपका नाम होगा, सम्मान मिलेगा आपको, लेकिन मनु भंडारी जी हमेशा गलत काम करती थी और पिताजी के गुस्से में आ जाती थी। तो मनु कहती है कि मैं चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से मैं बच गई थी। कोप मतलब उनके डांट से, उनके गुस्से से वो बच पाई थी। वो बताती है एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, मतलब जिस कॉलेज में मनु भंडारी जी पढ़ रहे थे, मतलब कौन सा कॉलेज है? गर्ल्स सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। वहां से पिताजी के नाम पर एक पत्र आया कि पिताजी आकर मिले, मतलब पिताजी प्रिंसिपल मैडम से आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना किया जाए। और उस पत्र में लिखा था कि मनु भंडारी जी के गलत कामों की वजह से मनु के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा, मतलब क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित होना, गुस्सा होना। जैसे ही उस पत्र को पढ़े पिताजी ने, पिताजी क्या हो गए? क्रोधित हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, मतलब गुस्से के मारे कहने लगे कि यह लड़की ऐसा काम कर रही है और इसके गलत कामों की वजह से मैं किसी को अपना मुंह दिखा ना पाऊंगा। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। मतलब पिताजी गुस्से के मारे बोलने लगे, इस मनु की वजह से कॉलेज जाकर मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा पता नहीं। चार बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाए। चार बच्चे मतलब कौन है? मनु भंडारी जी के दो बहने थे और दो भाई थे। जो बड़ी बहन थी उनकी जब शादी हुई थी तब मनु की उम्र कितनी थी? 7 साल की थी। और उनकी जो यादें हैं, थोड़ी थोड़ी यादें उनके मन में आज भी है। और मनु भंडारी जी के 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला, वो शादी करके कहाँ चली गई? कोलकाता चली गई। और दो भाई थे जो आगे पढ़ाई के लिए दूसरे चले गए। यहाँ पर चार बच्चों का जिक्र किया गया है। तो मनु के पिताजी कहते हैं कि चार बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाए थे। गुस्से से भन्नाते हुए वो गए हुए थे, मतलब गुस्से के भन्नाते, मतलब गुस्से से वो डरते डरते और बड़बड़ाते हुए वो कॉलेज गए। लौटकर क्या कहा बर्पा होगा इसका अनुमान था। सो पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठी, मतलब पिताजी कॉलेज से घर वापस आएंगे तब वो क्या हंगामा खड़ा करेंगे वो पिता मनु जानती थी, इसलिए मनु ने क्या किया, अपने एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बार निकाल जाए तब बुलाना, और जाते समय माँ से कहकर गई थी जब पिताजी वापस घर आएंगे ना तब उनका मन की जो सभी भड़ास है वो भड़ास या गुस्सा सब कुछ निकालने के बाद मुझे बुलाना ताकि मैं उनके डांट से बच सकूं। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो कुछ है चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे कि पिताजी घर वापस आए, पिताजी बहुत खुशी में थे और माँ ने मनु को बुलाने के लिए उनके दोस्त के घर गई और कहने लगी चली चल पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं और वो बहुत खुश है। यह बातें सुनते ही मनु विश्वास ही नहीं कर पाई, मतलब यकीन ही नहीं कर पाई, क्योंकि जब वो कॉलेज गए थे तब वो बहुत गुस्से में गए थे, जब वापस आए बहुत खुशी में है, मतलब यकीन ही नहीं कर पाई। गई तो सही लेकिन डरते डरते, मतलब मनु डरते डरते पिताजी के सामने खड़ी हो गई और पिताजी बोलने लगे सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, रौब करते हुकूमत, मतलब सारे कॉलेज की लड़कियों पर तुम हुकूमत चलाते हो, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, मतलब प्रिंसिपल बहुत परेशान थे कि
की और बोल रहे थे कि उन तीन लड़कियों के कारण क्या हो रहा है, पूरा कॉलेज चल रहा है। तीन लड़कियां मतलब यहाँ पर कौन है, मनु भंडारी जी और उनकी दो सहेलियां। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, प्रिंसिपल तो बहुत टेंशन में थी और बार बार आग्रह कर रही थी, आग्रह करने करते रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, मतलब कॉलेज ना भेजूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेज देते, मतलब प्राध्यापिका जो थे वो उन लड़कियों को डांट कर डपट कर धमकी देकर क्या करते थे, कक्षा के अंदर भेज देते थे। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, मतलब ये तीन लड़कियां क्या करते थे, उन क्लास के अंदर बैठी हुई लड़कियों को इशारा कर देते थे कि कक्षा को बहिष्कार करके बाहर चले जाओ, तो लड़कियां क्या करते थे, लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाते, मतलब उनके एक इशारे से पूरी जो लड़कियां क्लास को बहिष्कार करके मैदान में चलकर क्या करते थे, नारा वगैरह लगाते थे। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए, मतलब टेंशन के मारे प्रिंसिपल बोल रहे थे इन तीन लड़कियों की वजह से कॉलेज चलाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। कह तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, मतलब पिताजी बोल ही जा रहे थे लेकिन अपने चेहरे दिखाने के लिए डर रहे थे, और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरा देश की पुकारे, एक तरफा वो बहुत गर्वित है, दूसरी तरफ वो कहकर आए थे ये तो देश का पुकारे, मतलब मन्नू भंडारी यहाँ पर बताना चाहती है कि पिताजी इसलिए गर्वित थे क्योंकि मन्नू की काबिलियत क्या है, मन्नू की संगठना शक्ति क्या है, मन्नू के नेतृत्व गुण क्या है वो जानते थे, इसलिए पिताजी बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते जा रहे थे और मैं आवक, मतलब पिताजी बहुत खुशी में थे और गदगद स्वर में बोली जा रहे थे और मन्नू क्या हो रही थी, आवक, आवक का अर्थ है आश्चर्यचकित। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना कानों पर, मतलब पिताजी की जो बातें, पिताजी जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर ना आंखों पर विश्वास हुआ ना कानों पर यह तो हकीकत थी, हकीकत का अर्थ सच्चाई थी, पिताजी झूठ नहीं बोल रहे थे बल्कि वो हकीकत बोल रहे थे। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो मुकदमा का सिलसिला हो रहा था, मतलब कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, आह्वान मतलब इन्विटेशन देना, ठीक है, तो सभी कॉलेजों दुकानों स्कूलों के लिए हड़ताल स्ट्राइक के लिए आह्वान दिया गया था। जो जो नहीं कर रहे थे, मतलब जो जो हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे, तो छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था, तो छात्रों का एक बड़ा सा समूह था, वे छात्र वहां जाकर जहां पर हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे वहां जाकर क्या करवा रहे थे, हड़ताल करवा रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौरा, जो मेन मार्केट जो कहा जाता है, पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी, मतलब शाम को अजमेर के पूरे जो विद्यार्थियां थे जो चौपड़ पर इकट्ठे हुए और हुआ भाषणबाजी, भाषण देने वाले कौन है यहाँ पे, मन्नू भंडारी जी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दयानुषी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी का लू उतारे, लू उतारने का अर्थ है अहंकार उतारना या बेइज्जती की, यानी इसी बीच पिताजी के एक मित्र थे, वो कौन थे, दयानुषी मित्र, अंडरलाइन करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, दयानुषी मित्र का अर्थ है पुराने ख्याल वाले, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ना नैरो माइंड पीपल, संकुचित विचार वाले, ठीक है। तो दयानुषी मित्र ने घर आकर क्या किया, पिताजी का लू उतारी, लू उतारने का अर्थ है बेइज्जती की, मतलब दयानुषी मित्र ने उस चौपड़ पर मन्नू भंडारी जी के भाषण सुनकर ईर्ष्या के मारे कहाँ पर आए, मन्नू भंडारी जी के घर पर आए और पिताजी को मन्नू भंडारी जी के खिलाफ भड़काते हुए उन्होंने क्या कहा, बेइज्जती करते हुए कहा, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताल करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वहां, हमारे घरों की लड़कियों को शोभा देता है या सब, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रहा गया है आपको या नहीं, मतलब ओ दकियानुसी मित्र ने घर आकर पिताजी के सामने बेइज्जती करते हुए कहा,
अरे उस मन्नु की तो मत मारी गई है, मतलब क्या है, उस मन्नु तो पागल हो गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, भंडारी रेफर्स टू मन्नु भंडारी जी के पिताजी, तो भंडारी जी आपको क्या हुआ है, आपकी लड़की तो पागल हो चुकी है, ठीक है माना कि आपने लड़कियों को आजादी दी, पर जानते हैं आप मन्नु उल्टे सीधे लड़कों के साथ क्या क्या करती फिर रही है, मतलब वो हड़तालें करवा रही है, हुड़दंग मचा रही है, जुलूस निकलवा रही है और फेरियां लगवाती फिर रही है वहां पे, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देते हैं सब, मतलब हम अच्छे खानदान से जुड़े हुए भंडारी जी, हमारे लड़कियों को ये शोभा नहीं देती, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रहा गया आपको या नहीं, मतलब इस मोहल्ले का कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू रह गया है या नहीं, बताइए भंडारी जी आप चुप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों घर में घुसे रहते हो, घर से बाहर भी जाओ अपने मन्नु भंडारी जी की हरकत तो देखो क्या करती हुई फिर रही है वहां पे, मतलब दकियन उसी मित्र ने क्या किया, आग में घी डालकर चले गए थे, वे तो आग लगाकर चले गए, मतलब लेखिका के बारे में उल्टा सीधा बात करके वो चले गए थे, और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, मतलब पिताजी सारे दिन गुस्से से बुनबुना रहे थे और कहने लगे बस अभी यही रह गया कि मैं लोग रह गए, वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, मतलब क्या है वो दक्यानुसी मित्र ने घर आकर मन्नु भंडारी जी के बारे में उल्टा सीधा बातें करके वो चले गए और पिताजी सारे दिन गुस्से में भुनभुना रहे थे और कह रहे थे बस अब यही रह गया है कि लोग आकर थू थू करके चले जाए, मतलब क्या है मन्नु के इस बुरी हरकतों की वजह से लोग आकर क्या कर रहे हैं, घर आकर थू थू कर रहे हैं, मतलब बेइज्जती करने आ रहे हैं, बंद करो अब इस मन्नु का घर से बाहर निकलना, मतलब मन्नु भंडारी जी के पिताजी ने मन्नु के माँ से कहा कि आज के बाद मन्नु इस घर से बाहर नहीं जाएगी, मतलब क्या है बंद करो अब इस मन्नु को घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं अजमेर से सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे, मतलब क्या है जैसे कि इन सबसे बेखबर रात को मतलब क्या है वो स्ट्राइक करके रात को जब वापस घर आई तब उन्होंने देखा कि पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र, मतलब पिताजी के जो क्लोज फ्रेंड थे, अजमेर के प्रतिष्ठित मतलब रेप्यूटेड पर्सन थे, डॉक्टर अम्बालाल जी घर में बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोश से स्वागत किया, मतलब खुशी खुशी से उन्होंने वे खड़े हो गए और क्या किया, मन्नु जी का स्वागत किया और कहने लगे आओ मन्नु, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया, मतलब क्या है अम्बालाल जी ने चौपट पर मन्नु भंडारी जी के भाषण को सुनकर आए और सीधा उनके पिताजी को बधाई देने चले आए, मतलब क्या है इससे क्या पता चलता है कि निंदा करने वाले भी है और प्रशंसा करने वाले भी है, तो हमेशा किसका जीत होता है, प्रशंसा करने वालों का। तो आगे कहने लगे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, मतलब मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से तो निकला भी करो, मन्नु भंडारी जी के पिताजी से कहा क्या भंडारी जी हमेशा घर में घुसे रहते हो, घर से बाहर तो चलो, देखो अपनी लड़की किस तरह भाषण कर रही है, बहुत सुंदर से भाषण कर रही है वो, यू हैव मिस्ड समथिंग, और वे दुआदार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे घर में बदलता जा रहा था, मतलब डॉक्टर अम्बालाल जी वो तारीफ कर ही रहे थे और पिताजी का जो संतोष था खुशी जो थे वो घर में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैं राहत की सांस ली, जैसे ही मन्नु भंडारी जी अपनी माँ के पास गई तब माँ ने दोपहर वाली घटना बताई, जानते हैं ना कौन सा है वो, दकियानी से मित्र का जो पिताजी के सामने मन्नु जी को क्या किया था, भड़काने के लिए आए हुए थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, मतलब वो पीछे अतीत के बारे में सोचती हुई बताती है कि क्या मेरी उम्र थी और क्या मैंने भाषण दिया होगा, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, मतलब क्या है डॉक्टर साहब का प्यार था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर आए थे।
आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी सोच और झिझक यूं दुआदार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। तो मनु बताती है, आज 50 साल पहले की जो बात मैं आज सोती हूँ तो मैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। जैसे वो बोलती है, अजमेर जैसे एक छोटे से शहर में लोगों के भीड़ के बीच एक लड़की दुआदार भाषण देना, मतलब क्या है, मन्नू भंडारी जी के मूल में लिखा होगा। आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक यूं दुआदार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। तो मन्नू भंडारी जी बताते हैं, आज से 50 साल पहले, मतलब क्या है, अजमेर जैसे छोटे से शहर में उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी होकर भाषण देना, मतलब क्या है, मतलब भाषण दिया वो भी बिना किसी संकोच किसी झिझक से यूं दुआदार बोलते चले जाना, शायद मन्नु के मूल में लिखा होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे, मतलब पिताजी जो थे वो हमेशा अंतर विरोधों में जीते रहते थे, मतलब उनके मन में द्वंद्व रहा करता था कि वो हमेशा सोचा करते थे कि बच्चों को समाज में क्या मिले, विशेष स्थानमान मिलना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। दूसरी तरफा वो लड़कियों को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे, मतलब क्या है, वो अंतर विरोधों में जी रहे थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतना ही सजग था, मतलब वो हमेशा कहा करते थे कि क्या है, अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो व्यक्ति को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, ठीक है। और दूसरी और अपनी सामाजिक छवि, मतलब वो सोचते थे कि अगर मैं लड़कियों को आज़ादी दूं तो समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी के बीच में वो क्या कर रहे थे, अंतर विरोधों में वो जी रहे थे। पर क्या संभव है, क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराट का है। तो मनु बताती है, मेरे और मेरे पिताजी की जो सोच थी, जो विचार थे, बिल्कुल अलग थे और हम दोनों के बीच क्या हो रहा था, हमेशा टकराहट होता ही रहता था। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगड़ाने के आरोप में, जैसे कि 1947 मतलब क्या है, 1947 मतलब आज़ादी नहीं मिली थी हमें, तो मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने क्या किया, एक नोटिस थमा दिया, नोटिस दे दिया। और आरोप क्या था, लड़कियों को भड़काने धमकाने और कॉलेज के अनुशासन को बिगाड़ने के आरोप में उन्हें क्या दिया गया था, एक नोटिस थमा दिया गया था। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, मतलब विद्यार्थियों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने क्या किया, जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, मतलब क्या है, मई महीने में उन्हें नोटिस दिया गया, जून में कॉलेज खुला होगा, खुलती होगी, और जुलाई के आखिर में उन्होंने क्या किया, थर्ड ईयर के कॉलेज को बंद किया ताकि विद्यार्थियां हुड़दंग ना मचाए, और 2-3 छात्राओं को प्रवेश निषिद्ध करा दिया गया। 2-3 छात्र मतलब कौन है, मनु भंडारी जी और उनकी 2 सहेलियां। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आके थर्ड ईयर खोलना पड़ा, मतलब मनु कहती है कि हुड़दंग हमने कॉलेज में नहीं बल्कि कॉलेज से बाहर भी हमने हुड़दंग इतना मचाया कि आखिर में क्या हो गए, कॉलेज वालों ने अगस्त के आखिर में अंत में थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने कड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिल गई, मतलब छोटी पड़ी, कम पड़ी या फीकी पड़ी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिला था, आज़ादी मिली थी। तो मनु कहती है कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के सामने कॉलेज की प्रशासनात्मक लड़ाई क्या हो गई, फीकी पड़ गई, छोटी पड़ गई और कम पड़ गई। तो हमें इस
आत्मकथा के द्वारा हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है कि जहाँ चाह होती है वह राह खुद बनने लगती है। ठीक है, साथ ही साथ व्यक्तित्व निर्माण के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। व्यक्तित्व निर्माण मतलब क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमारे खुद की नहीं बल्कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के, खास तौर पर हमारे गुरुजनों का अहम भूमिका होती है। इसको उजागर करने हेतु तो इस लेसन का चयन भी किया गया था। साथ ही साथ इसमें एक साधारण लड़की की असाधारण बनने का जो जर्नी थी वही थी एक कहानी यह भी। सबसे पहले हम मुहावरे की ओर देखेंगे, पेज नंबर 38। लू उतारना, अहम उतारना मतलब बेइज्जती करना, आग उगलना गुस्सा करना टू गेट एंग्री, तू तू करना बेइज्जती करना मतलब इंसल्ट करना, आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना टू बी वेरी एंग्री। अगले प्रश्न है, एक शब्द या वाक्यांश या उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी का जन्म किस गांव में हुआ? आंसर क्या है? बानपुरा। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहां थे? जवाब है इंदौर। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए, जो 2 साल बड़ी थी मन्नू भंडारी जी से, उसका नाम क्या है? सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन? मन्नू भंडारी। फ्लैट के, महानगर के फ्लैट में रहने वाले, महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? आंसर है पड़ोस कल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, पिताजी का आग्रह क्या था? पिताजी का आग्रह क्या था? मन्नू रसोई घर से दूरी रहे। क्वेश्चन नंबर 7, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? पिताजी रसोई घर को बटियार काना कहते थे। मन्नू भंडारी जी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। आंसर है मन्नू भंडारी जी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? आंसर है कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। क्वेश्चन नंबर 10, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। जवाब है डॉक्टर अंबालाल। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15th अगस्त 1947। एक कहानी यह भी लेखिका कौन है? जवाब है मन्नू भंडारी जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका लिंक जो है हम भेज देंगे ताकि आप उसमें से नोट्स लिख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? पहला क्वेश्चन है, लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना। इस वाक्य को मन्नू भंडारी जी ने अपनी मां से कहा। सेकंड क्वेश्चन, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इस वाक्य को एक दकियानुसी मित्र ने मन्नू भंडारी जी के पिताजी से कहा। क्वेश्चन नंबर 3, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस वाक्य को मन्नू भंडारी जी के पिता ने लेखिका मन्नू भंडारी जी की मां से कहा। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस वाक्य को किसने किससे कहा? डॉक्टर अंबालाल जी ने लेखिका मन्नू भंडारी जी से कहा। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव मिस्ड समथिंग। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने लेखिका मन्नू भंडारी जी के पिताजी से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। पहला प्रश्न, एक बहुत आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। क्वेश्चन दिया गया है भूतकाल में, आपको लिखना है वर्तमान काल में बदलिए। ठीक है, तो आपको वर्तमान काल में लिखना है। आंसर है, एक बहुत आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। भूतकाल में बदले, सो क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान काल में है, आपको उसे भूतकाल में बदलना है। आंसर है,
वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे। तीसरा प्रश्न, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूं। भविष्यत काल में बदलिए। जवाब है, उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत, संभव असंभव, सुरक्षित असुरक्षित, सक्रिय निष्क्रिय, व्यवस्थित अव्यवस्थित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है प्रतिष्ठित, जवाब है अ प्लस प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित उपसर्ग है अ। हद, बे प्लस हद उपसर्ग है बे। तीसरा प्रश्न है यश, अप प्लस यश उपसर्ग है अप। क्रिया, प्र प्लस क्रिया उपसर्ग है प्र, और स प्लस क्रिया उपसर्ग है स। धन्यवाद।